नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विटू सक्सेस पर। और ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि कल यानी कि 6 सितंबर को SSC ने MTS एग्जाम के लिए आंसर की पब्लिश कर दिया है, और शायद आप लोगों ने अपनी आंसर की देख भी ली होगी। अगर आपने अभी तक अपनी आंसर की चेक नहीं किया तो आप फटाफट अपने आंसर की चेक कर लीजिए, क्योंकि आप केवल 11 सितंबर तक ही अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। तो आंसर की चेक करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो SSC MTS एग्जाम का Tier 2 होने वाला है वो आपका 17 नवंबर 2019 को होने वाला है। तो फ्रेंड, जब इसकी आंसर की आ चुकी है तो मुझे पता है कि आप सब लोग ये जानने में काफी ज्यादा उत्सुक होंगे कि SSC MTS एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, या फिर आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रकार की काफी सारी कमेंट मुझे डेली आ रही है। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम एक सर्वे क्रिएट करने वाले हैं जिसमें मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सर्वे में आप सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मार्क्स बतानी है कि आंसर की चेक करने के बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। साथ ही आपको उसमें अपनी कैटेगरी के बारे में बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप जनरल, ओबीसी, एसटीएससी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको वो भी बताना है। साथ ही आपको अपना एग्जाम डेट भी बताना है कि आपका एग्जाम किस डेट में था। तो फ्रेंड्स, आपको केवल इतना करना है। ये एक सर्वे है, जिस सर्वे को कंप्लीट एनालाइज करने के बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, यानी कि कल या फिर परसों, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि इस बार SSC MTS एग्जाम की कट ऑफ क्या रह सकती है, या फिर आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, और किस किस कैंडिडेट को यहां पर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है इस बार। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, जितने भी कैंडिडेट के कमेंट में डाउट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, केवल आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको उसमें तीन चीज लिखनी है। आंसर की मैच करने के बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, साथ ही आपको अपनी कैटेगरी भी लिख देनी है, और साथ ही आपको इसमें अपनी एग्जाम डेट भी लिखनी है, जिसको कंप्लीट सर्वे का एनालाइज करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। इससे पहले मैंने आपको काफी सारी एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बताई थी जो कि एग्जैक्ट रही थी, और हां, SSC कांस्टेबल GD की 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी, फाइनल कट ऑफ आपकी फिजिकल के लिए वही आपकी सेम रहती है। साथ ही मैंने आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भी बताई थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें, उसमें हम यहां पर कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करने वाले कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने का बेनिफिट होता है वो यही होता है, आपको पता चल जाता है कि आप सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो पाओगे या नहीं, या फिर आप फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई हो पाओगे नहीं, क्या आपको अपनी स्टडी सेकंड एग्जाम के लिए कंटिन्यू रखनी है, या फिर आपको किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों का आपको पहले ही पता चल जाता है, और काफी ज्यादा लोग के डाउट भी आ रहे कि इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर डिटेल दीजिए, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये सर्वे मैंने आपके लिए क्रिएट किया, इसमें पार्टिसिपेट करिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिए, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आयो, या फिर ये थोड़ा आइडिया जो मेरा था वो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन लोगों ने SSC MTS का एग्जाम दिया था, ताकि उनको भी पता चल सके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं, हम यहां पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।